नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी माँ दुर्गा भवानी की सवारी शेर कैसे बन गया। एक अद्भुत रहस्य है। शत्रुओं का संहार करने वाली जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा अपनी शरण में आने वाले हर भक्त की रक्षा करती है, उनकी कामना पूरा करती है। माँ दुर्गा भवानी शेर की सवारी करती हैं। वैसे तो नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विभिन्न 9 रूपों की अलग अलग पूजा की जाती है और शास्त्रों में सभी 9 रूपों के वाहन भी अलग अलग बताए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जंगल का राजा कहा जाने वाला शेर आखिर माँ दुर्गा का वाहन कैसे बना और क्यों बना? हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और उन सभी देवी देवताओं का एक एक वाहन भी बताया गया है। जगत माता आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी का वाहन भी जंगल के राजा शेर की सवारी करते हुए बताया गया है। शास्त्रों के कथानुसार माना जाता है कि एक बार माँ दुर्गा भवानी कैलाश पर्वत को छोड़कर एकांत वन में तपस्या करने चली गई थी। वन में माता दुर्गा घोर तप कर रही थी, तभी वहां एक भूखा शेर आ गया। उस शेर ने माँ पार्वती को देखा और सोचने लगा कि मैं इसे खाकर अपने पेट की भूख मिटा लूंगा। इस आशा के साथ वह वहीं बैठ गया। उधर माँ पार्वती तपस्या में लीन थी। उनकी तपस्या को देखकर शिव जी प्रकट होकर उन्हें लेने आ गए। जब पार्वती ने देखा कि शेर भी काफी समय से प्रतीक्षा कर रहा था तो वे उस पर अति प्रसन्न हो गई। माता पार्वती ने शेर की इस प्रतीक्षा को तपस्या के समान ही माना और शेर को प्रसन्न होकर सदैव अपने वाहन के रूप में अपने साथ रहने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से शेर माँ दुर्गा का वाहन बन गया। शास्त्रों में शेर को शक्तिशाली, भव्यता और विजय का प्रतीक माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी भक्त माता की शरण में आता है, माँ दुर्गा भवानी उसकी सदैव रक्षा करती हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।